चलिए आज आपके जीएस में हम लोग गुप्त पीरियड इसमें चल रहा था और हिस्ट्री का जो गुप्त पीरियड है उसमें अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया उसमें शुरुआत के उसके प्रारंभिक शासकों के विषय में, फिर समुद्रगुप्त तक हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बाद जो प्रमुख आपके गुप्त शासक है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि जिसने ग्रहण की थी, धारण की थी, वो है। और इसके साथ आपके कुमार गुप्त, अश्कंद गुप्त, ठीक है। और उसके बाद परवर्ती जो गुप्त शासक हमारे आते हैं, पूर्व गुप्त है, कुमार गुप्त द्वितीय है, इन सब के विषय में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना है। लेकिन मुख्यतः हमें किसके विषय में जानकारी रखनी है, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और अश्कंद गुप्त, तीन शासकों के विषय में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण शासक है। पूरे गुप्त वंशावली में अगर हम देखते हैं तो गुप्त वंशावली में पांच महत्वपूर्ण शासक आपको नजर आएंगे। एक आपके चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद अश्कंद गुप्त। इन्हीं पांच शासकों के विषय में हम इनकी विजयों के विषय में, इनके और उपलब्धियों के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और शेष जो है उनका नाम उल्लेख अगर हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा, तो वहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम गुप्तों के प्रशासन के विषय में और गुप्तों के समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने समुद्रगुप्त की विजयों, दक्षिण भारत की विजय, उत्तर भारत की विजय, ठीक है, और उसकी उपलब्धियाँ, कैसे उसने उत्तर पूर्व के शासकों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, वहाँ के उस समय जो गणतंत्र थे उस पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया, इसकी चर्चा अभी तक हम लोगों ने कर ली है। अब हम नेक्स्ट आपके लिए हेडिंग डालिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त, ठीक है, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को किसका विक्रमादित्य की उपाधि से निर्धारण की थी, विक्रमा, और यह विक्रमादित्य की उपाधि जब इसने गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के या पश्चिम मालवा के क्षेत्र के शकों को पराजित किया था, ठीक है, तब उसने यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ एक उपाधि इसने सकारी उपाधि धारण की थी, सकारी, ठीक है, दो महत्वपूर्ण उपाधि है। कब धारण किया था इसने, शकों को पराजित, शकों को पराजित करने पर, ठीक है। ये तो हम चूंकि विक्रमादित्य के विषय में इसकी उपाधि थी यहाँ पर उल्लेख हो गया, इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे, लेकिन अभी हम प्रारंभिक तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जो हमारे इसके महत्वपूर्ण शिलालेख है, स्तंभ लेख है, जहाँ से इसकी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, इसकी विजयों के विषय में, इसकी कृतित्वों के विषय में जो जानकारियाँ मिलती हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि कहाँ कहाँ से इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है, ठीक है। वैसे संपूर्ण भारतीय इतिहास तो उसमें जो गुप्त शासकों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी कराने का श्रेय जो है वो कुमार गुप्त को प्राप्त है। उसने 18 शिलालेख जारी करवाए थे, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक, ठीक है। और उसके नाम उल्लेख हम बाद में करेंगे कौन कहाँ कहाँ से। हम चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, पहला इसका हमको मथुरा, मथुरा से दो मिला है, मथुरा से एक स्तंभ लेख मिला है इसका, स्तंभ लेख, और एक शिला लेख मिला है, ठीक है, स्तंभ लेख और शिला लेख। दूसरा उदयगिरी, ये गुहा लेख है,
यानी कि यह पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी, तो उदयगिर गुफा लेख ये आपका किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय। यह गुफा लेख भी दो पार्टों में बटा है, एक लेख जो है लेख युक्त है, एक गुफा लेख युक्त ठीक, और एक बिना लेख का, बिना लेख ठीक है। जो लेख युक्त गुहा है उस गुहा को जारी कराने का श्रेय जो है इसके संत विग्राहिक थे सनकानिक महाराज, सनकानिक महा। यह गुहा लेख जहां लेख युक्त है वह किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से, वैष्णव से ठीक है। और जो बिना लेख वाला है, जो बिना लेख का है उसको वीर सेन साव ने जारी किया था, वीर सेन साव ठीक है। यह सयो धर्म से संबंधित गुहा है ठीक है, यह क्या है लेख युक्त है और यह बिना लेख का है। कहां से प्राप्त हुआ है, उदयगिरी, उदयगिरी कहां पड़ जाता है, उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ जाता है ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण आपके इसके स्तंभ लेख और शिलालेख गुहा लेख है। इसके इसके साथ साथ आपका सांची और गढ़वा ठीक है, सांची आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में ठीक है, और गढ़वा आपके यही शंकरगढ़ के पास में ठीक है। यहाँ पे गढ़वा, उस मैं गया हूँ, गढ़वा का किला है ठीक है, वहाँ पर मैं गया हूँ, वहाँ देखा हूँ कि गढ़वा से भी इसके लेख हमें प्राप्त होते हैं ठीक है। गढ़वा से आपके अश्कंदगुप्त के भी, कुमारगुप्त के भी और चंद्रगुप्त द्वितीय के भी लेख हमें गढ़वा से मिलते हैं ठीक है। तो ये अगर चंद्रगुप्त के विषय में देखा जाए तो छह महत्वपूर्ण है, एक मथुरा, मथुरा में स्तंभ लेख और शिलालेख, उदयगिरी गुहा लेख, लेख युक्त और बिना लेख का, लेख युक्त जो जारी किया था वो शनकानिक महाराज वैष्णव धर्म से, और जो बिना लेख का है वो सयो धर्म से है, वीरसेन साव ने जारी किया था, और सांची और गढ़वा ठीक है। ये महत्वपूर्ण हमारे इसके लेख है, अभिलेख है जिसके विषय में, जिसके द्वारा हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के भी हमें जो प्राप्त हुए हैं, उस सिक्के हमें स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के और ताम्र सिक्के, तीनों सिक्के प्राप्त हुए हैं। अभी तक ये क्वेश्चन हमारे कमीशन के द्वारा पूछा गया था कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने तांबे के सिक्के जारी किए ठीक है। ये अभी तक हमको चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर था, लेकिन अब जो है रिसेंटली जो वो किया गया, इसमें शोध किया गया, वहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के भी ये ताम्र सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि वह कौन सा गुप्त शासक है जिसने पहली बार तांबे के सिक्के जारी किए, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ये ध्यान में रखिएगा ठीक है। तो और सिक्के जो उसने जारी किए, वो स्वर्ण सिक्के किस प्रकार के सिक्के थे ठीक है। वह सिक्के जरा देख लीजिए कि आपका धनुर्धर प्रकार है, धनुर्धर प्रकार, इसको ऐसे समझिएगा स्वर्ण सिक्के जो है उस पे क्या था, धनुर्धर यानी कि धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है राजा को ठीक है। यह धनुर्धर प्रकार का सिक्का, इसके साथ साथ सिंह निहंता, सिंह
निहंता, यानी सिंह को मारते हुए सिंह निहंता प्रकार, ये स्वर्ण सिक्के जारी किए। आप इसके पहले आप देखेंगे जब समुद्रगुप्त की चर्चा हमने की थी, तो समुद्रगुप्त में वो व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के जारी किया था, व्याघ्र यानी बाघ मारा गया था, ठीक। और यहाँ सिंह मारने के सिक्के जारी किए थे, सिंह निहंता प्रकार, चंद्रगुप्त द्वितीय। कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वह व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के किसने जारी किए और सिंह निहंता प्रकार के सिक्के किसने जारी किए, तो व्याघ्र निहंता अगर रहेगा तो आपका उत्तर समुद्रगुप्त हो जाएगा, और सिंह निहंता रहेगा तो आपका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सिंह निहंता के बाद आपका है अश्वारोही, अश्वारोही प्रकार, ठीक। ध्वजा, ध्वजा धारी प्रकार, ध्वजाधारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, फिर एक है पर्यंक प्रकार, पर्यंक प्रकार, ठीक है। और एक है कि पर्यंक सहित राजा रानी प्रकार, पर्यंक सहित राजा रानी प्रकार, ठीक है। यानी कि एक पलंग पर लेटे हुए दिखाया गया है और एक पलंग पर राजा रानी को, दोनों को एक साथ लेटे हुए दिखाया गया है, इस प्रकार के सिक्के इसमें जारी किए थे। अब धनुर्धर प्रकार का हो गया, सिंह नियंता प्रकार हो गया, अश्वारोही, ध्वजारोही, छत्रधारी, ध्वजाधारी और छत्रधारी। देखिए अश्व आप देखते होंगे रथ जब चलता होगा, ठीक है, उसको कौन खींचता है, अश्व घोड़े के द्वारा खींचा जाता था और उस पे ध्वजा लगी रहती थी, तो ध्वजाधारी और छत्रधारी, उसके छत्र भी बनाए जाते थे, तो छत्रधारी। ये तीनों को एक साथ आप समाहित कर सकते हैं, ठीक है, कि अश्व के साथ ध्वजा और छत्र लगा है, तो आपको याद करने में सुविधा होगी कि ये हो गया। और धनुर्धर भी, क्योंकि राजा अक्सर आखेट पर निकलता रहता था और युद्ध में भाग लेता रहता था, धनुर्धर प्रकार के सिक्के हो गए और सिंह नियंता प्रकार के सिक्के हो गए। बस इन सिक्कों में ये चीज ध्यान रखना है, जो सिंह नियंता प्रकार का सिक्का जारी किया है, यह जारी किया था जब शकों पर विजय इसने किया था, शकों पर विजय, ठीक है, तब इसने सिंह नियंता प्रकार के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो ये हमारे सिक्के हो गए। इसके पहले मैंने इसके शिलालेखों के विषय में आपको बता दिया कि कौन से शिलालेख किससे संबंधित है। अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ खास उपलब्धियां चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या क्या है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है भारतीय इतिहास में अपनी विजयों की अपेक्षा, इसका काल जो है साहित्य और कला के उत्कर्ष का काल के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। यह शासक जो है अपनी विजयों की अपेक्षा किससे जाना जाता था, साहित्य और कला के समृद्धि का काल इसका माना जाता था। समुद्रगुप्त का क्या काल क्या था, समुद्रगुप्त का काल था कि वह विजयों का, उसकी प्रमुख उपलब्धियाँ उसकी विजयें थी, ठीक है। यहाँ क्या प्रमुख उपलब्धियाँ थी, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इसकी प्रमुख थी। इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वो कहाँ से स्थापित किए, पहला संबंध इसने वाकाटक पहला इसने नागवंश के साथ, दूसरा वाकाटक वंश के साथ, और तीसरा इसने कदम वंश के साथ, कदम वंश के साथ।
ये तीन वंशों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, पहला जो संबंध था नाग वंश के साथ, इसने क्या किया, नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा, ये नाम जरूर याद रखिएगा, कुबेर नागा, कुबेर नागा के साथ इसने विवाह स्वयं कर किया, अपना विवाह किया। इसीलिए इसकी पत्नी, हमारे यहाँ यहाँ पे कमीशन ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सब शासकों का क्रम दे दिया, इधर पत्नियों का क्रम दे दिया, ठीक है, कि कौन से शासक किस मतलब उसकी पत्नी कौन सी थी, किससे संबंध है, तो ध्यान रखिएगा कुबेर नागा किससे संबंध हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय से। दूसरा, इस कुबेर नागा से उत्पन्न एक पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, प्रभावती, ठीक है, प्रभावती का विवाह जो है इसने वाकाटक वंश में किया था, ठीक है, प्रभावती का विवाह किससे, वाकाटक वंश से, और किसके साथ किया था, ध्यान रखिएगा, ये किया था रुद्र सेन द्वितीय, ठीक है, राजकुमार कौन सा था, रुद्र सेन द्वितीय। यहां कंफ्यूजन उत्पन्न करने के लिए कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि रुद्र सिंह द्वितीय, ठीक है, आज आप पढ़ रहे हैं, एक महीने बाद दो महीने बाद आपके सेन और सिंह में अंतर आपके दिमाग से ओझल हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या किया, आप ध्यान रखिएगा, रुद्र सेन द्वितीय के साथ, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, द्वितीय के साथ, ना कि रुद्र सिंह द्वितीय, ठीक है, तो ये कहाँ का था, वाकाटक वंश का राजकुमार था। प्रभावती गुप्ता किससे उत्पन्न पुत्री थी, कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री थी, और इसका विवाह यहाँ पर किया, तो इस वंश के साथ भी इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और ये कदम वंश के शासक थे काकुत्स्य वर्मन, काकुत्स्य वर्मन, ये कदम वंश के थे, ठीक है, इन्हीं के, इनकी पुत्री का विवाह, इनकी राज जो राजकुमारी थी उसका विवाह इस वंश के साथ हुआ था, यानी कि कुमारगुप्त जो इनका पुत्र था उसके साथ हुआ था, इनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, कुमारगुप्त के साथ, प्रथम के साथ हुआ था, ठीक है, जो किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। अब हम वैवाहिक संबंध में एक बार पुनः इसका रिपीट कर दे रहे हैं, वाकाटक वंश के साथ, नाग वंश के साथ और कदम वंश के साथ। कुबा जो नाग वंश के साथ, वहाँ की राजकुमारी के साथ कुबेर नागा के साथ इसने स्वयं विवाह किया था, ये हो गया। दूसरा, वाकाटक वंश में अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया, किसके साथ किया, रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ठीक है। और तीसरा जो है, कादम वंश की राजकुमारी का विवाह कुमारगुप्त प्रथम के साथ किया, ये तीन वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किए, ठीक है। अब देखिए मुख्यतः विजय इसकी जो थी, विजय विजय कौन कौन से किया था, पहला एक सक विजय किया, दूसरा बाहलीक विजय किया, बाहलीकों पर विजय किया, और तीसरा बंग विजय किया, ठीक। अब सक कहाँ के थे, गुजरात, ठीक, और आपके सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है या काठियावाड़ का क्षेत्र है, उस समय, इस समय एक ही हो गया, उस समय अलग अलग थे, ठीक है, यहाँ शकों का शासन था, और उस समय शासक कौन था, रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय, इसी को इसने पराजित किया था। और पराजित करने के उपरांत जब शक का पराजित किया, इसने क्या किया कि सकाय और विक्रमादित्य, विक्रमा, यह दोनों उपाधियां इसने धारण की थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, कि सक विजय कहाँ का, पश्चिम का क्षेत्र, कहाँ का, गुजरात और सौराष्ट्र का क्षेत्र, शासक कौन था, रुद्र सिंह तृतीय। अब एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, विवाह रुद्र सेन द्वितीय के साथ हुआ था, शकों का शासक रुद्र सिंह तृतीय। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं
कि आने की संभावना काफ़ी प्रबल है, ठीक है, इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ। और उपाधि क्या धारण की, सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है, ये हो गया। बाहरी जो क्षेत्र है वो पंजाब का क्षेत्र है, ठीक, पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पर बाहरी की एक जनजाति, ठीक है, इसको जब इसने पराजित किया तो ब्यास नदी के तट पर इसने जो है एक विष्णु ध्वज की स्थापना की, विष्णु ध्वज की स्थापना की, कहाँ पर, ब्यास नदी के तट पर, ठीक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इस विष्णु ध्वज को लाकर कुतुब मीनार के पास मेहरौली, कहाँ नाम है, मेहरौली, मेहरौली स्तंभ का उल्लेख बार बार आता है, ठीक है, यहाँ पर इस विष्णु ध्वज को स्थापित कर दिया, ठीक है, तो इसीलिए इसे मेहरौली स्तंभ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसने लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। फिरोज शाह तुगलक का इसके पहले जब एंसेंट की चर्चा मैं करता था तो हमने दो और अभिलेखों की चर्चा किया था, वो अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ से लाए थे और किसके अभिलेख थे, कोई मुझे कमेंट के द्वारा बता सकता है, वो अभिलेख किसके थे और फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित किया था। बताइए अभिलाषा जी, अभिलाषा जी, अशोक का कहां से ले आया था, अगर आप बता सकते, कहां से लाकर कहां स्थापित किया था, ये याद नहीं है। अब देखिए मैंने चर्चा किया था दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ, ठीक है, याद आया, टोपरा से दिल्ली ले आया था और मेरठ से दिल्ली लाया था, इसीलिए से दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ कहा जाता है। ये स्तंभ लेख अशोक का था, ठीक है। और एक कार्य इसने और भी किया कि पंजाब के जो ब्यास नदी के विष्णु ध्वज है, ठीक है, वो मेहरौली पे आया, इसलिए मेहरौली स्तंभ लेख कहलाया है। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। चलिए अब हम थोड़ी सी इसकी उपाधियों पर चर्चा कर लेते हैं, ये कौन सी उपाधियां धारण किया, ठीक है। आपको जैसे पता होगा विक्रमादित्य उपाधि, एक उपाधि विक्रमांक, विक्रमांक उपाधि, विक्रमादित्य उपाधि, उसके बाद परम भागवत, परम भागवत, ठीक है, ये तीन उपाधि। एक प्रश्न आया है, ये आया है पीसीएस में पूछा गया था कि वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपके समुद्रगुप्त का उल्लेख जो है एक जगह उसे परम भागवत के रूप में कहा गया है, बिहार से एक अभिलेख प्राप्त होता था, ठीक है, गया के पास में ताम्रलेख था, वहाँ परम भागवत कह के संबोधित किया गया था, लेकिन उसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, कहा गया है कि यह जाली अभिलेख इसका है, ठीक है, जाली अभिलेख किसका था, समुद्रगुप्त का। तो एक कन्फ्यूजन हमेशा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त में है कि किसने परम भागवत धारण किया, ठीक है। तो आप कदापि गलत मत करिएगा, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, ठीक है, समुद्रगुप्त को आप मत लगाइएगा, क्योंकि कई जगह जो आपके सॉल्व पेपर हैं उसमें ये आंसर मिल सकता है कि समुद्रगुप्त आंसर आ सकता है, लेकिन समुद्रगुप्त आंसर आप मत लगाइएगा,
परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसके साथ साथ इसको देवराज, ठीक है, देवराज, देव श्री, ठीक है, और देवगुप्त इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक, यहां हम एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको अंतर करने के लिए बता दें। एक शब्द आएगा आपका देवराय, देवराय, देवराय जो उपाधि है वह अष्टंग गुप्त की है, और यहां देवराज, देवश्री और देवगुप्त यह उपाधि किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की है। देखिए, राजा रहेगा देवता के समान, चंद्रगुप्त एक बड़ा नाम है हमारा, गुप्त वंश के शासकों का एक बड़ा नाम है, ठीक है। उस नाम में राजा देवता के साथ, गुप्त वंश का राजा ही था इसलिए देवगुप्त, और देवश्री यानी कि लक्ष्मी उसके देवता के साथ निवास करती थी, इसलिए आप तीनों को एक साथ कर दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से मिला दीजिएगा, ठीक है। और राय जो है शब्द देवराय, वह अष्टंग गुप्त की उपाधि। कभी बाय द वे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें कंफ्यूजन ना रहे। राज, श्री और गुप्त ये तीनों उपाधियां देवता के साथ किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। और राय उपाधि, देवराय उपाधि जो है वो अष्टंग गुप्त की। ये हमारी प्रमुख रूप से इसकी उपाधियां विक्रमांक और विक्रमादित्य, परम भागवत और सकारी, या चंद्रगुप्त द्वितीय की हमारी उपाधियां। अब देखिए, हम चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम कुछ चर्चाएं करेंगे जब इसके प्रशासन को हम पढ़ाएंगे या राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में। हाँ, एक चीज और, इसके समय का जो उल्लेख प्राप्त होता है, आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त के नौ रत्न, ठीक है, नौ रत्न कौन कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित होते थे, नौ रत्न। नौ रत्न का उल्लेख जो है एक जगह और मुझे मिलता है, अकबर के नौ रत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्न, अकबर के नौ रत्न। जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन नौ रत्नों की चर्चा आवश्यक। आप देख लीजिए कौन कौन से नौ रत्न उनके हैं। पहला कालिदास, काल, दूसरा अमर सिंह, तीसरा वाराह मिहिर, ठीक, चौथा वर रुचि, वर रुचि, फिर शंकु, शंकु, पांच हो गए। उसके बाद आपके बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, छपड़क, छपड़क, फिर उसके बाद छपड़क के बाद धन्वंतरी, धन्वंतरी, कितने हो गए? कालिदास, अमर सिंह, वराह मिहिर, वर रुचि, शंख, बेताल भट्ट, छपड़क, धन्वंतर, और एक नाम और है आपके अभी मैं इसको लिखवा देता हूँ। ये देखिए साहित्यकार थे,
साहित्य का। अमर सिंह जो है ये शब्द कोश इनका था, अमर कोश नामक एक इन्होंने, ठीक है, शब्द कोशाकार अमर सिंह थे। बराह मिहिर जो आपके थे वह आपके ज्योतिष के इतिहासकार थे, अखगोलविद, ज्योतिष के इतिहासकार, ठीक है। बररुचि जो थे वो खगोलविद थे, खगोलविद। शंकु आपके ये गणितज्ञ थे, गणितज्ञ। बेताल भट्ट ध्यान रखिएगा, बेताल भट्ट जादूगर थे, जादूगर, ठीक। धन्वंतर चिकित्सा शास्त्री थे, चिकित्सा शास्त्री, ठीक है। और छपड़क जो है ये आपके एक उससे थे, ये मतलब आप का इस समय मुझे ख्याल नहीं आ रहा था, ये किसी एक और महत्वपूर्ण विषय वस्तु से संबंधित ये ज्ञाता थे, ठीक है। तो आपके टोटल जो व्यक्ति हुए, कालिदास, अमर सिंह, वराह मिहिर, बररुचि, शंकु, बेताल भट्ट, छपड़क, धर्मंतर, और एक नाम मेरे दिमाग से अभी आ नहीं रहा है, ठीक है। इन नौ रत्नों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, चिकित्सा शास्त्री कौन थे, धन्वंतर थे, बेताल भट्ट जादूगर के रूप में थे, शंकु गणितज्ञ के रूप में थे, वररुचि खगोलविद थे, ये वराह मिहिर ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में जाने गए थे, अमर सिंह शब्द के कोशाकार के रूप में थे, और कालिदास आपके साहित्यकार थे, ठीक है। और बराह मिहिर, वररुचि, धन्वंतर, छपड़क, शंख, बेताल भट्ट, और ये दिमाग से मैं विस्मृत कर रहा हूँ, उसकी चर्चा मैं फिर कर लूँगा, ठीक है। कि ये हमारे नौ रत्न उसके थे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रमुख शासक है वो कुमारगुप्त, इसके बीच में हमें ये गोपिंद गुप्त नामक शासक का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन वो शासक के विषय में इतिहासकार उसको संदिग्ध मानते हैं। अब हमारा प्रमुख जो शासक है वह कुमारगुप्त प्रथम है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 415 से लेकर 454 या 55 कहीं मिल जाएगा, ठीक है।